घर परिवार में अपने पड़ोस में कम से कम 5 लोगों को जागरूक करेंगे तो इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित हैं, 5-5 अगर सभी लोग जागरूक करेंगे तो हमारे बहुत सारे मतदाता जागरूक हो जाएंगे। ठीक है, देश आजाद हुआ और 13-5-52 को हमारी पहली लोकसभा का गठन किया और इस गठन के पहले भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारत के संविधान के 324 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग सभी तरह के चुनाव का संगठन करता है। अखिल भारतीय स्तर पर सारे चुनाव का संगठन ये आयोग करता है। उसी कड़ी में मतदाताओं की साक्षरता के लिए मतदाता शिक्षा अलग चीज है। मतदाता शिक्षा का मतलब ये होता है कि मतदाता अपने कर्तव्य के बारे में जानकारी रखे वो, और कर्तव्य कैसे पूरे किया जाए उसकी जो तकनीकी बातें होंगी उनके बारे में जानकारी रखे। जो मतदाता हो चुके हैं यानी जो 18 साल के हो चुके हैं और जो मतदाता होने वाले हैं, जो यानी कि जो ऐसे बच्चे जो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी सरकार ने या आयोग ने जागरूकता का अभियान चला रखा है। और इलाहाबाद जनपद के हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय श्रीमान खत्री जी वह जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। वह बहुत चेतन है, बहुत जागरूक है और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे तहसील के तहसीलदार साहब आदरणीय गणेश सिंह जी इस कार्यक्रम में खुद भाग लेने के लिए आए। इसके पहले भी था लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके पहले किसी तहसीलदार महोदय ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, बहुत आभार करते हैं आपका कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का इतनी शिद्दत से आप पालन कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जिलाधिकारी महोदय श्रीमान खत्री जी को जिन्होंने इतनी शिद्दत से इन कार्यक्रमों को लिया है, इतनी गंभीरता से लिया है और ये कार्यक्रम पूरे जिले में प्रारंभ हो गए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ आलेख मतदाता पंजीकरण आलेख दिवस का आयोजन किया गया था। वो बहुत जोरदारी के तरीके से उसका आयोजन किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और इस सत्र का 2022-23 का यह दूसरा निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है मतदाताओं की जागरूकता का। तो प्यारे बच्चों, आज का उद्देश्य ये है कि फार्म 6 के बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। हमारे तहसीलदार साहब इतने जागरूक हैं कि फार्म 6 अपने साथ लेकर के आ पाए। यहाँ है क्योंकि गाड़ी है, बच्चों को हम दिखाना चाहते हैं, ले आइए उसको। तहसीलदार साहब फार्म 6 जो 6 है उसको लेकर के आए हैं। वो बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि जो पहली बार जिनका पंजीकरण होना है, जिनको मतदाता बनना है, इस फार्म में भर करके उनकी सारी सूचना मिल जाएगी और वह मतदाता बनेगी। ठीक है ना? तो मतदाता आपको बनना है, आपको अपना पंजीकरण कराना है और साथ साथ क्या करना है, आपका घर गांव जहां है आसपास के लोगों को जागरूक करना है। और क्या करना है, जब चुनाव करीब आ जाए तो जो उदासीन है, जो ये कहते हैं कि कोविड ट्रिप होए हमें कहानी, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो उदासीन है, उनके मन में भी अपने राजनीतिक वार्तालापों से आपको सक्रिय उनको कर देना है कि आपको मतदान करने जाना है, मतदान करने जाना है, जाना है, जाना है, यह उनको प्रेरित कर देना है आपको। यानी कि जब लोग मतदान के संदर्भ में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और हमारे बच्चे भी पालन करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे तो क्या होगा, अच्छे लोगों का चुनाव होगा। अच्छे लोगों का चुनाव होगा तो जो सरकारें हैं गुड गवर्नमेंट बनेगी, अच्छी सरकारें बनेगी और क्या होगा, भारत के विकास का सपना पूरा होगा और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। और अभी G20 की मीटिंग हुई, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने द्वितीय सत्र की अध्यक्षता की। यह हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी किस देश की उत्पत्ति है, आप मतदाताओं की उत्पत्ति है, आप हमारे देश के मतदाताओं ने इनको प्रधानमंत्री बनाया है। और ये सपना था लोगों का कि भारत एक दिन पूरी दुनिया का नेता बनेगा, नेतृत्व बनेगा।
और वह लेटर अपने देश के प्रधानमंत्री के हाथों में आया। तो भारत के लोकतांत्रिक सत्ता की ही देन है, भारत के लोगों की देन है। तो प्यारे बच्चों, इस लोकतंत्र को मजबूत करना है और इस मजबूती के माध्यम कौन है? ये हमारे बच्चे हैं। ये हमारे बच्चे लोगों को जागरूक करेंगे, अपने घर गांव में नए लोगों को मतदाता बनाएंगे। इस फार्म 6 के बारे में हमारे बच्चे जानकारी देंगे। ये फार्म 6 है, ये बच्चों को दिया जाएगा और ये इस फार्म 6 को वहाँ आस पास लोगों को दिखाएंगे। इसमें सूचनाएं भर करके जाएंगे और तहसील में आप मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे और हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे एक बार फिर भारत माता की नारा लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जिन तहसीलदार साहब ने इतना इंटरेस्ट लिया है, हमारे जिस जिलाधिकारी महोदय ने इतनी शिद्दत से काम किया है, तो अपने डीएम साहब के लिए और अपने आदरणीय तहसीलदार साहब के लिए मैं चाहता हूँ बच्चे एक बार स्वागत ताली में आए। स्वागत ताली भैया। इसमें से कितने बच्चे इनका जनवरी 23 से 18 साल पूरा हो जा रहा है? कोई बच्चा है ऐसा? जनवरी 23 बच्चे हैं। अच्छा, एक हाथ पीछे उठा, कोई बात नहीं। अच्छा, घर में आपके कोई भाई बहन ऐसे आपसे बड़े हैं और पूरा हो जा रहा हो, वो बच्चे हाथ उठाए। वेरी गुड। तो जिनका 1 जनवरी 2023 से 18 साल पूरा हो जा रहा है, इतने पीछे बच्चे, 1 जनवरी 2023 तक जिनका 18 साल पूरा हो जा रहा है, उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी जुड़ जाएगा। ठीक है, यद्यपि आयोग ने अब 3-3 महीने की कटाव डेट कर दी है, 1 जनवरी 23, इसके बाद में 3 महीने बाद जनवरी फरवरी मार्च, इसके बाद 1 अप्रैल कटाव डेट रहेगी, 1 अप्रैल 23 को भी जिनका 18 साल पूरा हो जाएगा उनके भी फॉर्म हम भरवा सकते हैं, अभी से भरवा सकते हैं। आप लोग भरवा करके जमा कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब के पास में, हम उनको आने वाले समय में उनको फिट करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 3 महीने बाद अप्रैल मई जून तीन महीने छोड़ करके जुलाई में 1 जुलाई को जिनका हो जाएगा 18 साल, उनका भी आवेदन हम ले सकते हैं। फिर इसके बाद में 1 अक्टूबर 23 को भी जिनका 18 साल पूरा हो जाएगा, उनका भी आवेदन हो सकता है। आप लोग फॉर्म भरा करके अगर जमा कर देंगे तो हम उनको कलेक्ट रखेंगे। अगला चरण जैसे ही आएगा, हम उनका नाम पूरा मतदाता सूची में फिट करा करके और आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो घर में आपके पहुंच जाएगा बीएलओ के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए नाम बनवाने के लिए प्रारूप 6 फॉर्म 6 क्या बनवाना है? फॉर्म 6 बनवाना है जिनका नाम वोटर लिस्ट में बनवाना है। ठीक है, पहले चरण में 1 जनवरी 23 तक जिनका भी 18 साल पूरा हो जा रहा है, उनका नाम हम अभी दिसंबर में ही कंप्लीट करके वोटर लिस्ट में जोड़ देंगे। ठीक है, बस आपको हम अभी प्रिंसिपल सर के पास छोड़ देंगे, या पड़ोस में कोई भी है उनका एक फोटो इसमें लगना है, आधार कार्ड या कोई भी अपना निवास का प्रमाण पत्र जो भी है, एज का सर्टिफिकेट, आधार में सारा कुछ रहता है, इसलिए मैंने आधार का नाम दिया कि उसमें आपका निवास प्रमाण पत्र भी, निवास का भी पता दिया रहता है और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है, तो वो दोनों में काम कर जाता है, वो लगता है साथ में, और भर करके आप यहाँ पे जमा कर देंगे प्रिंसिपल सर के पास में। मैं प्रिंसिपल साहब से कलेक्ट करके और अपनी तहसील में ले जा करके उसको फिट करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी दे दूँ कि यदि आपके घर परिवार पड़ोस में किसी भी आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई हो और वो अपनी ससुराल में चली गई हो और उनका नाम वोटर लिस्ट में हो,
या आपके पास पड़ोस में कोई ऐसे वोटर हो जिनकी डेथ हो गई हो संयोग से, आप वो जीवित नहीं है, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होना है, तो उसके लिए प्रारूप 7 भरा जाना है। फॉर्म 7 प्रारूप 7 है काहे के लिए, डिलीशन के लिए, नाम डिलीट करने के लिए वोटर लिस्ट से। जैसे किसी की शादी हो गई और वो लड़की बाहर चली गई अपनी ससुराल में, अब उसका नाम वहां जुड़ना है, इसलिए अब यहाँ से नाम कट जाना चाहिए, तो उसका प्रारूप 7 भर के दे देंगे। या कोई पड़ोस में या किसी की डेथ हो गई है और वो भी वोटर है, तो उनका भी नाम उससे डिलीट होना है, तो प्रारूप 7 भरने के लिए बताएंगे। हम प्रारूप 7 भी यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के पास भिजवा देंगे, तो अगर कोई ऐसा है तो आप लोग उसको भी भरवा करके यहाँ पे कॉलेज में जमा कर देंगे, ठीक है। यदि कोई आपके माता पिता भाई बहन जो पहले से वोटर हैं और उनके नाम में, उनके फोटो में या किसी भी प्रकार की डिटेल में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, ठीक है, तो उसका भी करेक्शन हो रहा है, उसके लिए प्रारूप 8 भरा जाना है, ठीक है। कौन सा प्रारूप भरा जाना है? 8 भरा जाना है। अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, चाहे नाम में, पिता के नाम में, हुक्म में, या किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन कराना है, तो उसके लिए प्रारूप 8 भरा जाना है। हम 8 के भी कुछ फॉर्म ला करके प्रिंसिपल साहब के पास छोड़ देंगे। आप लोग अगर कोई घर में किसी के माता पिता भाई बहन किसी का भी हो, करेक्शन कराना हो, तो वो टिप्पणी भर करके आप लोग दे देंगे, तो हम वो करेक्ट करा देंगे। समझ में आ गया? प्रारूप 6 भरा जाना है नाम बढ़ाने के लिए, प्रारूप 7 भरना है नाम हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए, और प्रारूप 8 भरना है नाम संशोधन के लिए। तीनों बात समझ गए ना? तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें सहयोग करेंगे ताकि हमारी वोटर लिस्ट बढ़िया रहे, ठीक है, शुद्ध रहे, सही रहे, ताकि बढ़िया सा मतदान हो सके। जब वोटर लिस्ट सही होगा तो हमारा मतदान भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इसमें सभी बच्चों को ध्यान देना है। जो बच्चे अभी इसके लायक नहीं है, 18 साल पूरा नहीं है और अभी 17 साल भी है, तो आने वाले समय में उनका कंप्लीट हो जाएगा, वो आवेदन कर सकते हैं। हम अलग उनका आवेदन रखेंगे और जैसे ही उनकी वो तिथि कट ऑफ डेट आ जाएगी, हम वोटर लिस्ट में जुड़वा देंगे। आप हो गया है, ठीक है, उनका भी भरवा करके आप प्रिंसिपल साहब के पास जमा करा देंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे, सभी को प्रशिक्षित करेंगे, अपने माता पिता घर में सभी को बताएंगे, ठीक है, सभी को प्रशिक्षित करेंगे। और प्रिंसिपल साहब ने बहुत सारा डिटेल से बताया मतदान के समय में, तो वो काम भी आप सभी को करना है कि सभी को जागरूक करें कि मतदान के दिन मतदान जरूर करें। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि एक वोट से क्या होता है, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो एक एक वोट से ही पूरा पेटी भर जाती है, मतदाता पेटिका जो रहती है वो पेटी भर जाती है, ठीक है ना। अगर सभी लोग यूँ सोच लेंगे कि एक वोट से क्या होता है, हम नहीं जाते हैं, दूसरा भी यही सोच लेगा, तो वोट कहाँ से पड़ेगा, ठीक है। तो हम सभी लोग भागीदार बने मतदान के समय और आएंगे, फिर जागरूक करेंगे संबंध में, लेकिन फिर भी आप सभी लोग अपने घर परिवार में, अपने माता पिता बड़े भाई सभी को जागरूक करें कि मतदान के दिन मतदान में हिस्सा जरूर लें, ठीक है। हमें ये तो हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि हमारे अमुक विधायक जी ठीक नहीं है, हमारे सांसद जी ठीक नहीं है, हमारे ऐसा काम नहीं होता है, सरकार ऐसा काम नहीं करती है। तो जब आप सही आदमी का चयन करेंगे और पूरे हिस्सेदारी करेंगे, पूरे हिस्सेदारी से मतदान करेंगे, तो अच्छे लोगों का चयन होगा, अच्छे हमारे विधायक आएंगे, अच्छे हमारे सांसद आएंगे, जो हमारा ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इसी यही उत्साह दिखाना है, ठीक है, यही मैं कहने आया था। ओके, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, कंदर साहब ने समय दिया इतना आपके बीच आए और आप बच्चों को इतनी सारी बातें आपने बताया। तो सर ने क्या कहा लास्ट में कि जब आप चैतन्य रहेंगे और अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे तो अच्छी सरकारें बनेगी।